मध्य प्रदेश के खरगोन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चॉकलेट में दांत निकलने का एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने स्थानीय रिटेलर से सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये मामला खरगोन का है, जहां एक निजी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल ने चॉकलेट में दांत निकलने की शिकायत की है। प्रिंसिपल का दावा है कि एक बर्थडे सेलिब्रेशन में उन्हें चॉकलेट दी गई थी, जिसे खाते वक्त उनमें से दांत निकले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दांत निकले कैसा, क्या घटना, कहां से आई थी चॉकलेट? चॉकलेट तो किसी के जन्मदिन पर मुझे मिली थी, तो 4-5 रोज बाद मैंने उसको आज खाई, तो खाने पर मुझे मुंह में कुछ थोड़ा सा अटका, तो मुझे लगा कि शायद क्रंची कोई पार्ट होगा, परंतु फिर बाद में मुंह में से मैंने निकाली तो ये 4 दांत का पूरा सेट ऐसा दिखाई दिया मुझे। तो इतने सारे 4 दांत एक साथ किसी के गिरना बहुत मुश्किल बात है। जब तक तो कोई तेज पंच नहीं करे तब तक इतने दांत नहीं गिर सकते हैं। या तो किसी की शैतानी है या क्या है, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में क्या हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की टीम ने सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया। जी, ऐसे खाद्य पदार्थ चॉकलेट में ये प्रकाश में आया है और हमारे संज्ञान में आया है, तो संबंधित फर्म जो सप्लायर है यहाँ का, तो वो चॉकलेट हमने नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजा है और जाँच रिपोर्ट के उपरांत तो विधिवत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा संज्ञान, मामला क्या था? वो पीड़िता शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि चॉकलेट में दांत वगैरह पाए गए, तो हमने उसके संबंध में नमूने लिए गए। अच्छा जी, क्या 4 दांत बताए? जी 4 दांत बताए। अब क्या कार्रवाई होगी? हमने नमूना प्रयोगशाला को भोपाल भेजा गया है, जाँच रिपोर्ट उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल चॉकलेट में दांत निकलने की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वाहा।